अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। हमने जो उनका फ़ैन है इसके पारों को उतार दिया है और आज हमारा जो बेसिकली वीडियो का टॉपिक है वो है कंजम्पशन ऑफ सीलिंग फ़ैन। बेसिकली हमने ये टेस्ट करना है कि जो हमारा पंखा है ये पारों के बगैर कितनी पावर बैटरी से कंज्यूम करता है और ये पारों के साथ कितनी बैटरी से पावर कंज्यूम करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच नहीं किया तो वो भी काइंडली जाके वॉच कर लें, मे बी वो वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा कौन सा फ़ैन है, ये ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं आपको बैटरी के जो उनसे पावर है वो शो करवाऊँगा कि हमारी बैटरी से अभी तक कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने अपने घर का सारा लोड ऑफ कर दिया है और 2.16 हमें एम्पेयर शो हो रहे हैं डीसी के जो बैटरी यूपीएस को दे रही है। 2.15 या 16 एम्पेयर्स हैं। तो अब हम जाके फ़ैन को ऑन करते हैं और फिर हम दोबारा बैटरी की जानेब आएंगे कि हमारी जोनसा फ़ैन के साथ पड़ों के बगैर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है हमारा फ़ैन और पड़ों के साथ वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं 2.12 है। तो अभी हम जाके फ़ैन को ऑन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो उनसे फ़ैन है वो पारों के बगैर डीसी के कितने एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है और फिर हम पार लगाएंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो फ़ैन है वो पारों के साथ कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हमारा फ़ैन ऑफ है और अब हम इस फ़ैन को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, आपको साउंड से आइडिया हो गया होगा कि हमारा फ़ैन ऑन है और हमने इसको फुल स्पीड पर ऑन किया है। तो अब हम जाकर अपनी बेसिकली जो बैटरी है उसके एम्पेयर चेक करते हैं कि हमारी बैटरी से यूपीएस कितने एम्पेयर हमारे फ़ैन को डिलीवर कर रहा है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा जो उनका फ़ैन है पाक फ़ैन वालों का वो पारों के बगैर 6.76 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। बेसिकली हमने 6.77 में से माइनस करने हैं 2.16 तो हमारा जो उनका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और अब हम आपको बेसिकली एसी के दिखाते हैं कि एसी कितने पावर कंज्यूम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा रिज़ल्ट है वो डीसी का है, तो इसलिए एसी का रिज़ल्ट है लेकिन डीसी पे शो नहीं हो रहा। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम एसी पे सेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको एसी पे सेट कर दी है। अब हम टेस्ट करते हैं हमारा जो उनका फ़ैन है वो विदाउट फैदर्स यानी कि पारों के बगैर 0.28 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, 0.28 और 0.29। तो अब हम जल्दी से अपने फ़ैन के कौन से पार उनको लगाएंगे और फिर हम दोबारा टेस्ट करेंगे कि हमारा जो उनसे फ़ैन है वो पारों के साथ डीसी के और एसी के कितने एम्पियर्स कंज्यूम कर रहा है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अपने फ़ैन के तीनों पर लगा ली हैं, और अब हम इसको ऑन करके और फिर हम एसी और डीसी एम्पेयर्स को चेक करेंगे कि अब ये कितने एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो सा फ़ैन है ये फुल हो चुका है, और अब हम जाकर टेस्ट करते हैं कि कितने एसी के और डीसी के एम्पेयर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा जो सा फ़ैन है वो परों के साथ 9.34 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है, तो हम 9.28 को माइनस करवाएंगे 2.16 से, तो हमारा जो अनसा फ़ैन है वो इस टाइम 7.12 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है परों के साथ 7.12, और पहले कंज्यूम कर रहा था 6.78, और 2.16 से हम इसको माइनस करवाएंगे तो ये पहले हमारा फ़ैन कंज्यूम कर रहा था 4.62, 7.12 यानी कि ये परों के साथ 2.5 एम्पेयर ज़्यादा कंज्यूम करता है और परों के बगैर 2.5 एम्पेयर कम। अब हम आपको इसकी एसी टेस्ट करवाते हैं कि एसी वाट कितने कंज्यूम करता है। सॉरी ये देखें आप ये एसी जो उनसे एम्पेयर्स हैं38 कंज्यूम कर रहा है, पहले ये कम कर रहा था लेकिन अब ये 38 कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा लिंक चैनल का ज़रूर शेयर करें।